8 जुला है, 9 है हुक्का, फिर भी है थुक्कम थुक्का। पाकिस्तान में गृह युद्ध शुरू हो गया, इमरान खान को घसीटा, शीशा तोड़ा और पकड़ कर ले गए। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ बैट भेजा पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर और पीओके में और भारत को दे दिया एक बड़ी वजह। अब समझ में आया भारत ने इतनी बड़ी सेना क्यों भेजी है। जियो पॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तो आखिरकार वो दिन आ गया जिससे डरता था इमरान खान। इमरान खान ने कहा था उसकी जान को खतरा है, डर्टी हैरी उसकी जान लेकर रहेगा और हत्या करने की कोशिश करेगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए डर्टी हैरी कौन है। तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के वरिष्ठ अधिकारी मेजर जनरल फैजल नसीर, इन्हीं को इमरान खान कथित तौर पर डर्टी हैरी कहते हैं। और कहा जा रहा था ISI का ये बड़ा जनरल कई मौकों पर इमरान खान की हत्या का साजिश रच रहा है। वैसे मेजर जनरल फैजल नसीर के बारे में थोड़ा और जान लीजिए, ये लेखक सम्मा खालिद के बेटे हैं। सम्मा खालिद ने पाकिस्तान रेडियो में उप नियंत्रक के रूप में काम किया है। 14 अगस्त को पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा सितारा इम्तियाज से सम्मानित किया गया है फैजल नसीर को। फैजल नसीर को 1992 में पाकिस्तानी सेना में बतौर सब लेफ्टिनेंट कमीशन आए हुए थे। उनके बाद उन्हें मिलिट्री इंटेलिजेंस में तैनात किया गया। करियर के दौरान बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा जैसे आतंक प्रभावित इलाकों में कई सफल ऑपरेशन दिया। फैजल नसीर ने जो काम किया है उसकी वजह से इसे सुपर सिपाही कहा जाता है। 2022 में इसकी ताकत तब बढ़ गई जब ये ISI में इंटरनल विंग के चीफ के रूप में तैनात हो गया। वैसे तो कहा जाता है कि इनका और पॉलिटिक्स से कोई नाता नहीं है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। उल्टा दिख रहा है कि इसका नाता बहुत ज्यादा है पॉलिटिक्स से। अब अचानक से जो इमरान खान इतने दिनों से डर रहे थे कुछ वैसा ही हो गया है, लेकिन जो तरीका है वो तरीका बहुत ही ज्यादा गंदा वाला है। भ्रष्टाचार का केस चल रहा है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर और ये पहुंचे हुए थे कोर्ट। यहाँ पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का काम काज पूरा कर रहे थे तभी अचानक से अल कादिर ट्रस्ट में पहुंच गए पाकिस्तानी रेंजर्स। पाकिस्तानी रेंजर्स के जवानों ने सबसे पहले तो कार का शीशा तोड़ा और शीशा तोड़ कर कहा जा रहा है कॉलर से घसीट कर इमरान खान को बाहर निकला। इमरान खान के साथ रेंजर्स किस तरीके से पेश आ रहे हैं उसके कई तरह के वीडियो नजर आ रहे हैं। PTI के नेता फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान को टॉर्चर किया जा रहा है। वीडियो देखने से साफ नजर आ रहा है कि रेंजर्स ने कॉलर पकड़कर घसीटते हुए इमरान खान को गिरफ्तार किया है, वो भी काली यूनिफॉर्म में। रेंजर्स के जवान कोर्ट के परिसर में घुसे और इमरान खान को साथ लेकर चले गए। वैसे आपको बता दें इमरान को भ्रष्टाचार के जिस केस में अरेस्ट किया गया है उसे उन्हें राजनीतिक मंशा से प्रेरित करार दिया है। अब मामला ये था कि कई बार इनके घर तक पहुंचे थे इन्हें अरेस्ट करने के लिए, लेकिन बार बार ये बच जाते थे। अब पाकिस्तान में सेना ने अलग ही तरीका अपनाया। वैसे आपको बता दें कल ही ये कुछ जज्बात में ज्यादा ही बह गए थे और सेना को बहुत भला बुरा कह रहे थे। न सिर्फ सेना को बल्कि बिलावल भुट्टो से लेकर हर किसी की बेइज्जती कर रहे थे। उन्होंने कहा शहबाज लंदन में भोज खाने गया हुआ है। तो वहीं ये बिलावल क्यों गया था भारत और क्यों अपनी और अपने देश की बेइज्जती कराकर लौटा है, दोनों आखिर पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। खैर इन्होंने बहुत कुछ बोल दिया था, पर अब होगा क्या। अब ये होगा कि या तो पाकिस्तान के इस पूर्व प्रधानमंत्री का वही हाल होगा जो हाल बेनजीर के पिता का हुआ था, यानी भुट्टो का हुआ था, फांसी पे लटकाया जाएगा। और दूसरा बड़ा हो सकता है कि इस कंगाल पाकिस्तान में इस वक्त गृह युद्ध भड़केगा और गृह युद्ध भड़कने के बहुत ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से सरकार निरंकुश हुई है यहाँ पर सारी चीजें बहुत बुरे हालात की तरफ जा रही हैं। वैसे आपको बता दें मरता हुआ पाकिस्तान भी, बुझता हुआ पाकिस्तान भी भारत के लिए सिर्फ और सिर्फ परेशानी खड़ी कर रहा है। आपको याद होगा SCO समिट से पहले भारत के रजौरी में एक मिलिट्री व्हीकल पर हमला होता है और मिलिट्री व्हीकल तबाह हो जाता है जिसमें हमारे 5 सेना के लोग वीरगति को प्राप्त होते हैं। और जब इसकी जांच की जाती है
है तो जांच पे जो खुलासा निकलता है वो खुलासा बहुत चौंकाने वाला खुलासा है। आपको ये तो याद ही होगा कि किस तरीके से बिलावल भुट्टो ने कहा था कि G20 के लिए हम ऐसा सबक देंगे कि भारत याद रखेगा। इससे ही समझ में आ रहा था कि कुछ बड़ी प्लानिंग है और पाकिस्तान ने रजौरी में जो किया है उसके सबूत भी अब निकल कर सामने आने लगे हैं। आखिरकार ये देखा गया कि पाकिस्तान का बैट ये POK में पहुंच गया है और न सिर्फ POK में पहुंचा है, ये रजौरी में भी घुसा था और इसने सारी प्लानिंग में आतंकवादियों को बहुत ज्यादा मदद की। अब बैट है क्या तो आपको बता दें, बॉर्डर एक्शन टीम इसे कहा जाता है बैट। इसमें क्या होते हैं, इसमें कमांडोज होते हैं पाकिस्तान आर्मी के और आतंकवादी होते हैं, इन दोनों का मिला जुला एक रूप है बॉर्डर एक्शन टीम पाकिस्तान में। इस बॉर्डर एक्शन टीम ने यानी कि बैट ने सारी प्लानिंग की और जो इन्वेस्टिगेशन बता रही है ये बता रही है कि ये टीम चोरी छुपके पुंज पहुंचा, रजौरी पहुंचा, मेंधार पहुंचा, कृष्णा घाटी पहुंचा, बिम्बर गली के सेक्टर्स में पहुंचा और यहाँ पर इन्होंने पूरी प्लानिंग की कि रजौरी में कैसे हमला करना है और साथ ही साथ हथियार भी ऐसे दिए जो युद्ध में इस्तेमाल होते हैं। जो इंटेलिजेंस सोर्स है वो बता रहा है कि बैट्स 3 जगह पे एक्टिव हैं, पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर में, POK में और जो नजदीक के गांव हैं डोटिल्ला, केजी टॉप, ये जो POK के नजदीक के गांव हैं वहां पे। POK में इन दिनों कुछ ज्यादा ही एक्टिव दिखाई दे रहे हैं ये बैट्स। वैसे आपको बता दें इसको पाकिस्तान की खास स्पेशल सर्विस ग्रुप तैयार करती है, मतलब ये पूरी जो प्लानिंग के साथ हमला हुआ रजौरी में ये हमला बैट की प्लानिंग थी। और आखिरकार जब इतना बड़े लेवल पर रजौरी में इस तरीके से घुसकर इन्होंने प्लानिंग की तो ऐसी ही कोई प्लानिंग आगे के लिए भी होगी, इसलिए बिलावल भुट्टो ने इस तरीके से धमकी दी भारत को। पर अब भारत एक्शन वाले मोड में है। हमने आपको पहले ही बताया कि भारत एक बहुत बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रहा है और अपनी एक बड़ी सेना पाकिस्तानी बॉर्डर के पास उतारने जा रहा है और इसका भविष्य क्या है ये तो समय बताएगा। क्या ये सिर्फ युद्धाभ्यास रहेगा या फिर ये आगे जाकर बड़ा एक्शन बनेगा। खैर, पाकिस्तान की अभी स्थिति ऐसी है कि वैसे भी भारत को अपने बॉर्डर पर सेना तैनात कर देनी चाहिए। गृह युद्ध की जो स्थिति है, ये गृह युद्ध भड़केगा तो लोग भागेंगे तो भारतीय सीमा की तरफ घुसने की कोशिश बहुत ज्यादा करेंगे। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।